हेलो प्रिंस, आज हम बनाएंगे मीठे चावल का बबरा। उसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी बासमती चावल, चावल को हमने आधे घंटे के लिए भिगो कर रख लिया था, और शक्कर चाहिए, कटे हुए काजू बादाम और एक चम्मच देसी घी। एक पैन लेंगे और उसमें एक गिलास पानी हम डाल देंगे। 50 ग्राम चावल पकाने के लिए हमने एक गिलास पानी लिया हुआ है। हमारा पानी बुबल चुका है, इसमें हम घी डाल देंगे। और चावल डालेंगे। इसे हम ढककर पका लेंगे। ये देखिए चावल पक चुका है और काजू बादाम ऐड कर देंगे इसमें। इसे 10 मिनट के लिए वापस हम फिर से ढककर पका लेंगे इसको। ये देखिए चावल पक चुका है और अब हम इसमें शक्कर ऐड कर देंगे। थोड़े से चावल हमने कटोरी में अलग से निकाल लिए हैं। ये देखिए ऑरेंज कलर लिया हुआ हमने, इसको हम चावल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए जो हमने हरा कलर लिया था वो भी हम थोड़े से चावल में मिक्स कर लेंगे। चावल को ठंडा थोड़ा सा हो जाने देंगे। फिर जो हमने हरे हुए कलर्स किए थे चावल के वो इसमें डाल देंगे। और पनीर के टुकड़े भी हमने पहले से काट के छोटे छोटे फ्राई करके रख लिए थे। ऊपर से इसमें पनीर के जो टुकड़े फ्राई किए हुए थे वो भी गार्निश करने के लिए इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब हम बनकर तैयार हैं मेरे मीठे चावल का बबरा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।